खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, बीजेपी और शिवसेना में तल्खी बढ़ती जा रही है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश में मोदी की लहर जरूर थी, लेकिन महाराष्ट्र में मोदी की कोई लहर नहीं है। विधानसभा चुनाव का गणित बिल्कुल अलग है। राउत ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी लहर का पानी अब उतरने लगा है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना साथ लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। शोभा नहीं देते, क्योंकि हमने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। सर, एक सवाल ये भी है, आरजेडी और जेडीयू अब अलायंस करने की सोच रहे हैं बीजेपी के बारे में, आपके जो इतनी बड़ी अलायंस है उसके अगेंस्ट में? करने दो ना, अब लोकसभा में क्या हुआ आपने देखा है। मैं मानता हूँ कि जेडीयू। इंडियन न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर है। सर अभिषेक, जिस तरीके का बयान अभी संजय राउत का आया है, दो दिन पहले ही मधु चव्हाण के बयान को भी साथ ही मैं संदर्भ में रखूंगा, और इन दोनों बयानों को संदर्भ में रखते हुए क्या मैं ये कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में क्या बीजेपी और शिवसेना का 25 साल पुराना गठबंधन खतरे में है? बिल्कुल सही कहा आपने, यही अब दिखाई पड़ रहा है। कारण साफ है कि जिस तरह से बीजेपी के सुर कहीं कहीं चेंज हो गए हैं, जब जिस तरह से लोकसभा चुनाव का नतीजे आए हैं और उसके बाद से महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जल्द ही होने वाला है, उसके पहले ही बीजेपी में लगातार गूंज उठाई पड़ रही है, लगातार गूंज सुनाई पड़ रही है कि बीजेपी ऐसे चुनाव लड़ना चाहती है पूरे महाराष्ट्र में, और शिवसेना लगातार दबाव बना रही है कि या तो अधिक सीटें शिवसेना से या फिर वह अकेले चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम है। और इसीलिए यह जो संजय राउत का जो सामना में लेख आया हुआ है और जिस तरह से मोदी को उन्होंने निशाना बनाया है कि मोदी की जो लहर है वह महाराष्ट्र में काम नहीं आएगी, महाराष्ट्र में जो काम आई या देश भर में काम आई, मोदी ने अपने लिए लहर बनाई थी प्रधानमंत्री बनने के लिए, अब मोदी की लहर किसी भी तरीके से काम नहीं आएगी। यानी साफ साफ कह सकते हैं कि जिस तरह से निशाना साधा है मोदी को और बीजेपी को और उन नेताओं को कहा है कि जो मोदी के नाम पर वोट मांगने अब जाएंगे, शायद वह उस तरीके से वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि साफ शब्दों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे।